सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट गेमिंग अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हे वो सब गाइज के सबसे लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गाइज। वेलकम बैक न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज जो होने वाले है ना एक 1v1 कस्टम होने वाला है। बेसिकली हुआ क्या था ना कि एक बंदे ने मेरे को बोला था गाइज भाई मेरे से ना तुम क्रेजी मोड में जो है मेरे से कस्टम कर लो 1v1। तो हम लोग जो है ना गाइज यहाँ पे क्रेजी मोड में ही करने वाले। क्रेजी मोड में बेसिकली होता क्या है ना कि अलग से गन आते हैं, जैसे कि लॉन्चर आता है, एक डेजर्ट एगल आता है, MP40 आता है और स्कार आता है और जंपिंग शू होता है और जेट पैक शू, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। और सबसे पहले क्लेश स्क्वाड कर लिया, अभी सोलो कर लिया, अभी चल के हम लोग जो अपना गेम का सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्रेजी स्टोर सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद में हमको 1500 कर देना है कॉइन, और फिर इसको 200 EP रहना चाहिए और लिमिटेड एमओ को नो कर देंगे। चलो जी 7 राउंड ही सही है, 7 राउंड सही रहेगा, आई थिंक इतना ही सही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। और चलो लिमिटेड एमओ नो कर दिया। अभी चलो गाइज अभी चलते हैं अपने गेम की तरफ और फटाफट से जो है एडवांसमेंट सब कुछ सही है तो चलो गाइज गेम में चलते हैं अपनी। तो ओके गाइज यहाँ पे जो है हम लोग अभी गेम को स्टार्ट करने वाले हैं, बंदे को बुला लिया है हमने और चलो अभी स्टार्ट करते हैं गेम को और देखते हैं कि यार मतलब कि ना गाइज बहुत ज़्यादा मज़े आने लगा। गाइज अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया था गाइज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, प्लीज़ कर देना भाई। तो चलो गाइज यहाँ पे हमारा जो है गेम स्टार्ट हो चुका है अभी और हम लोग को यहाँ से लेना है लॉन्चर, M79 ही लेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है क्योंकि और कोई लॉन्चर लेना नहीं और 1500 ही कॉइन था इसलिए सिर्फ यही एक ले पाए हम, और कोई जेट पैक सू हम ले नहीं पाए तो इस बार तो हम उड़ नहीं पाएंगे लेकिन नेक्स्ट राउंड में पक्का लेंगे। ओके भाई ये लो भाई, यार बंदे ने भाई सॉलिड वाला डैमेज दे दिया, डायरेक्ट अपने पास में नहीं गिरा वरना हम तो एक ही जो है गोली में ख़त्म हो जाते, बट कोई बात नहीं अभी देखते हैं। ओके एयर ड्रॉप आ गया, हम ना इधर से जाएंगे, इस घर के अंदर से होके जाएंगे बंदे के पास में, आई थिंक जो है बंदा एयर ड्रॉप के पास में जाएगा इस लूटने के लिए ड्रॉप, तो हम लोग जो है पीछे से जाकर हमला करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अपने पास में लॉन्चर है तो उसके पास में भी लॉन्चर है, बिकॉज लॉन्चर का ही चैलेंज हो रहा है तो लॉन्चर ही होगा। ओके चलो अभी इधर से निकलते हैं, इधर पे बंदा है नहीं क्योंकि मैंने एक लॉन्चर मारा था और इधर बंदा है। देखो गाइज एयर ड्रॉप जो है लूटा जा चुका है तो यानी कि वहीं पे है बंदा, तो उसको जो है ना गाइज अभी फटाफट से हम लोग को ख़त्म करना है। और यार ये देखो सामने से जा रहा है मेरे एकदम सामने से, ये देख रहे हो सामने से जा रहा है उसका, वो के 63 का लगा और 72। गाइज यहाँ पे हम लोगों ने पहला राउंड जो है निकाल लिया है ईजी पीजी और वैसे ही करके हमको सिर्फ 4 राउंड निकालने हैं। ओके ये 2 तो लॉन्चर है लेकिन इनका क्या काम है भाई, ये यहाँ से जो है चलो गाइस हमने ख़रीद लिया वेस्ट और हेलमेट वगैरह, इन सबको निकाल देते हैं चलो। ओके क्योंकि इन दोनों का कोई काम ही नहीं है गाइस अपने इस गेम के लिए तो, और अभी चलो अभी गेम जो है ये खुलने का वेट करते हैं। लेकिन एक मिनट गाइस मैंने जो जंपिंग शू ख़रीद लिया है, मेरे को जेट पैक शू चाहिए, चलो जेट पैक शू लो यार। ये क्या मतलब कि जंपिंग शू, जंप थोड़ी ना करना था भाई, उड़ना था। चलो गाइस तो यहाँ से हम लोग उड़ चुके हैं अभी जेट पैक शू की मदद से। अभी बंदा कहाँ पर है? ओके सामने से बंदा निकलेगा और भाई कोबरा, ओ माई गॉड यार देख रहे हो भाई कोबरा का ग्लूअल रखा हुआ है भाई ने, यार लगता है काफ़ी महंगा बंदा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉप अप वगैरह करता होगा और पुराना प्लेयर है गाइस, देख ही सकते हो आप लोग जब भी कोबरा का है तो बहुत ज़्यादा पुराना प्लेयर है और प्रो प्लेयर है गाइस, इसने भाई चैलेंज किया था और हम लोग को इसको हराना है, बट देखते हैं। बेसिकली ना जब भी आप जेट पैक शू खरीदते हो तो आपको ग्लोअर की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। ओके इधर पे बंदा है गाइस, इधर पे जो है, ओ ये देखो यहाँ पे फूट रहा है तो यहाँ पे ही बंदा होगा पक्का। चलो जी तो इसके अंदर मारते हैं हम लोग क्योंकि यहीं पे बंदा है, ग्लोअर भी लगा चलो 130 का और अभी भी मारना है यार, इतना कम से तो कुछ कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यार ये बंदा भाग गया, नीचे कहाँ भाग गया मेरा जेट पैक, लो भाई यार ये शू ख़त्म हो रहा है, अभी मैं गिरने वाला हूँ नीचे, देखो बड़ा ज़ोर से गिरेंगे यार, आई थिंक लगता है कि ओरे गिरा, ओ भाई साहब यार पूरा HP ही खा गया भाई, फटाफट से हील करते हैं यार। चलो भाई यहाँ से हील कर लेते हैं भाई, पूरा का पूरा HP ही खा गया हमारा यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। ओके ये रहा बंदा सामने से, ओके ओरे बाबा 75 का और लगा और अभी पता नहीं कहाँ पे, ओके सामने रहा बंदा, ओ भाई साहब 196 का लगा और इसी के साथ हमने गाइस यहाँ पे भी कर लिया, दूसरे राउंड को भी विक्ट्री कर लिया है। क्या गाइस हम लोग जो है 4v0 कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है यार इतना भी ज़्यादा कम से तो हारेगा नहीं बंदा क्योंकि बंदा गाइस काफ़ी ज़्यादा पीरो बंदा है, मतलब प्रो प्लेयर है,
तो इतना कम से तो भाई कभी भी नहीं हार सकता हमसे, बट कोई बात नहीं, अभी देखना, देखने वाली बात यही होगी कि कितना राउंड जो है हम लोग खेलते हैं गाइज, मतलब कितने राउंड में ये गेम पूरा कंप्लीट होता है। और मैं ना गाइज यहाँ पे इस बार जेट पैक सूम लाया, तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री के ऊपर से जाने वाला हूँ गाइज, बिकॉज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फैक्ट्री के ऊपर आप लोग जान समझ सकते हो कि जो थंबनेल के लिए जो भी फ़ोटोज़ लिए जाते थे जो कि इस तरीके से फैक्ट्री के ऊपर, तो वो कैसे लिए जाते थे, तो वो इसी जेट पैक शू की मदद से ही लिए जाते थे। ओके, सामने पे बंदा जो है ग्लूवर लगा के नहीं जा रहा है, वो जेट पैक शू का यूज़ नहीं कर रहा है गाइज, एक बात आप देख रहे हो वो यूज़ नहीं कर रहा है जेट पैक शू, पता नहीं क्यों, बट हमको क्या करना है अपने को। चलो अभी इसके अंदर घुस रहा हूँ, देखो गाइज मैं रिस्क इतना ज़्यादा ले रहा हूँ, ये जेट पैक शू लेके मैं अंदर घुसा, लेकिन कोई बात नहीं, बंदे को मारना है तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर से मेरा जेट पैक शू ख़त्म, ओरे बाबा फिर से ख़त्म हो गया यार ये देखो मैं नीचे गया यार। चलो ग्लूअर लगाओ चलो जी भाई यार। ओके, सामने पे रहा बंदा यार, वो बार बार कर रहा है हमला, और हमने हीलिंग कर ली है तो हम भी छोड़ेंगे बम पे बम। अरे भाई फिर से मारा यार, चलो जी लगा ग्लूअर। ओके, और गाइज एक तो ना ये फ़ोन का सेंसिविटी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और जाहिर सी बात है। ओरे भाई यार ये क्या कर रहा है, मार दिया यार भाई। यार फैक्ट्री पे तो काफ़ी ओपी खेला है बंदा, लेकिन यार एक बात समझ नहीं, ये M1887 लेके क्यों चला रहा है भाई, मेरे को एक बात और समझ नहीं। इसके कलेक्शन से तो मेरे को ये पीरो प्लेयर लग रहा है, लेकिन भाई गेम प्ले से मेरे को ये बोट लग रहा है कोई पक्का। ऐसा लग रहा है ना कि कोई बोट है, बट कलेक्शन है काफ़ी सही वाला बंदे के पास में। ओके, अपने पास में फिर से जेट पैक शो भी आ चुका है, तो हम लोग फिर से उड़ते हुए जाएंगे और बंदे का काम तमाम करके आएंगे गाइस। चलो फटाफट से अभी निकलना है हम लोगों को और जाए भाई। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया यार, और अभी तक आप लोग वीडियो में बने हो यानी कि आपको वीडियो पसंद है गाइस, तो भाई लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो, लाइक कर दो चैनल पे। पहले बात तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार, यार फ्री का काम होता है, कर दो इतना तो कर दो यार। ओके, इधर से बंदा आ रहा है यार, ग्लूअर लगा हुआ है, हालांकि ये जो है लॉन्चर का ज़्यादा रेंज नहीं होता जबकि हम ऊपर आएँ, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि अभी भी ये बंदा जो है ना इसी का, ये वो 120 का लगा है, 120 मेरे को समझ नहीं है मैं दो लॉन्चर क्यों खरीदा है, यूज़ एक ही का होता है, क्योंकि हम दो लॉन्चर का यूज़ चाह के भी नहीं कर सकते। ओ भाई चलो गाइज, तो यहाँ पे तीन राउंड हम लोगों ने निकाल लिया गाइज, इजी पीजी बोले तो बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। और ये होने वाला है अपना आई थिंक कि लास्ट राउंड ही होगा, क्योंकि गाइज बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा वाला गेम प्ले दिखाया और जेट पैक्स मैंने फिर से ले लिया है, तो आई थिंक ये लास्ट राउंड होगा और इस राउंड में हम लोगों को करना है बुया। चलो गाइज तो यहाँ से निकलते हैं अभी यार, जल्दी से ये खोल दे यार, ये कितना टाइम लेता है भाई। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि जैसे ही आप सारी चीज़ें परचेज़ कर लो तो आपको एक जो है कोई सिस्टम ऐसा मिलना चाहिए कि आप वो खोल सको। ओके, यहाँ से ऊपर ले जा भाई, चल ऊपर निकल लिए, और अभी बंदा है काफ़ी ज़्यादा दूर, वहाँ तक अपना रेंज है नहीं, लेकिन भाई बंदा चला रहा है स्कार, वो पगला कैसा आदमी है, स्कार नहीं चलाने का होता है भाई, AWM वगैरह लेके आता तो मार भी सकता। चलो गाइज तो यहाँ पे हम लोगों ने मार दिया बंदे को, और इसी के साथ गाइज हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे बुया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर पहली बार आए तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और गाइज बताना मेरे को कि नेक्स्ट चैलेंज में किस चीज़ का करूँ। और गाइज ऐसे चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।